नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचा सकें ताकि आप लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी कड़ी में बता दें आपको, हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, गर्मियों का मौसम है और ऐसे में हम सब्जियों और फलों का अगर सेवन करते हैं, खासतौर पर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, खरबूज तरबूज की बात करें, इनका सेवन करते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है काफ़ी अच्छा बना रहता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। इनकी मांग लगातार बनी रहती है इस मौसम में। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई बहन यानी कि आप लोग इनकी खेती को अपनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। तो किस तरह से गर्मियों के इस मौसम में अब सब्जियां लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उपलब्धता साल में 8 से 10 महीने तक रहती है। खीरे और ककड़ी का उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है, वहीं लौकी, करेला, गिलकी और तोरई को पकाकर सब्जी के रूप में खाया जाता है। मीठे फल के तौर पर तरबूज और खरबूजा, वहीं मिठाई बनाने में लौकी और पेठे का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की बात करें तो इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि ग्रीष्मकालीन सब्जियों के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल निकास अच्छी तरह से हो जाता है। ये जरूरी है कि मिट्टी में कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, साथ ही पीएच मान करीब 6 से 7.5 के मध्य हो। बीज बुआई से पहले खेत की एक गहरी जुताई और 2-3 हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही खेतों को समतल करने के लिए ऊपर से पाटा लगा दे। ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी पकी हुई गोबर की खाद और 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व उपयोग करें। वहीं शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 20-25 दिन और 40 दिन की फसल अवस्था में दें। आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे आप ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले खेत में लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 2 से 5 मीटर तक रखें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके नाले में एक स्थान पर 4-5 बीज की बुआई करें। वहीं सब्जियों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीजों की बात करें तो खीरे की फसल के लिए करीब 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलोग्राम, तोरई के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, खरबूजे के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम, जबकि तरबूज के लिए 4 से 4.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि टिंडे की सब्जी के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई के लिए मध्य फरवरी से मार्च तक का समय उपयुक्त होता है। गर्मी की फसल में 6-7 दिन के अंतराल पर और आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहे। बेल वाली फसलें जैसे खीरा, घिया, तोरी, करेला व कद्दू में तुड़ाई कच्चे व मुलायम हाथों से करें। फलों को डंठल सहित तोड़े और साथ ही रंग व आकार के अनुसार अलग करके इसकी पैकिंग करें। वहीं पैक किए गए फलों को तुरंत मंडी में पहुंचाएं या शीत गृह में रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न किस्में और प्रजातियों की बात करें तो लौकी की किस्म पूसा हाइब्रिड 3, पूसा संदेश, अर्का बहार, पूसा नवीन, पंत लौकी। करेले के लिए किस्म पूसा विशेष, काशी मयूरी, पूसा 2 मौसमी, पूसा हाइब्रिड 2। तोरई के लिए किस्में चिकनी तोरी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी एवं धारीदार। खीरे के लिए किस्म पूसा संयोग, पूसा बरखा, पूसा उदय, पूसा हाइब्रिड 1। तरबूज की किस्म शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा, अर्का मानिक। खरबूजे की किस्म पूसा मधुरस, अर्का मधु, हरा मधु, अर्का राजहंश, दुर्गापुर मधु। कद्दू की किस्म पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1। पेठे की किस्म पूसा उज्वले। वहीं टिंडे की किस्म पंजाब टिंडा, अर्का टिंडा अन्य शामिल है।
ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सही समय पर उगाई गई गर्मी की सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है, जिससे किसानों को बाजार में सब्जियों का बेहतर दाम मिल सकता है। साथ ही गर्मियों की सब्जियों की मांग अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान सबसे ज्यादा होती है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियां कम समय में ग्रो कर लेती है, जिससे किसानों को जल्दी ही फसल का दाम बाजार में मिल जाता है। इन सब्जियों में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग गर्मियों के मौसम में इन सब्जियों की सबसे ज्यादा मांग करते हैं। ग्रीष्मकालीन सब्जियां ऐसी सब्जियां हैं जिससे किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताते हैं पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम बातें। बता दें आपको, अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं जो आपको कम लागत में अच्छा मुनाफा दिलवा सके, तो मधुमक्खी पालन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही एक विशेष बात भी आपको बता दें कि सरकार भी इसके लिए अच्छी खासी सब्सिडी मुहैया कराती है। तो किस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है, जिसका किसान लाभ भी उठा रहे हैं। खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन लोन योजना की भी शुरुआत की गई है। सरकार की इस योजना का मकसद देश के कुल उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा करना भी है। मधुमक्खी पालन से कई लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने 500 करोड़ की योजना का ऐलान किया था। मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी 2 गुना हो सकती है। देश के साथ साथ विदेशों में भी शहद की मांग लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद के अच्छे दाम मिलते हैं। ऐसे में किसान शहद के निर्यात को बढ़ाकर अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक भाषा में एपिकल्चर कहा जाता है। किसान कृषि के साथ साथ बागवानी फसलों को उगाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, लेकिन रसायन के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसे में मधुमक्खी पालन किसानों की अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वहीं मधुमक्खी पालन से वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, जिससे कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि होती है। आज के दौर में ज्यादातर किसान मधुमक्खी पालन शहद बनाने के साथ साथ फसलों के पराकरण के लिए कर रहे हैं। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन के लिए इटालियन मेलिफेरा का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी की ये प्रजाति स्वभाव में बेहद शांत होती है, जिस वजह से इनसे आसानी से शहद अर्जित किया जा सकता है। मधुमक्खियों से फूलों में पराकरण होने की व जड़ से फसलों का उत्पादन लगभग 1/4 बढ़ जाता है। इससे किसानों की फसल पहले से ज्यादा होती है और बाजार में इसका बेहतर दाम मिलता है।
मधुमक्खी पालन का व्यापार छोटे स्तर पर किया जा सकता है। सिर्फ 10 पेटी की मदद से आप मधुमक्खी पालन के कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती समय में 10 पेटी मधुमक्खी पालन के लिए 35,000 से 40,000 रुपए खर्च होता है। जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। यानी 10 पेटी से शुरू किए गए मधुमक्खी पालन से साल भर में मधुमक्खियों की 25 और 30 पेटी तक की जा सकती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा पेटी उतना ज्यादा मुनाफा। मधुमक्खी पालन में शहद के उत्पाद के अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट का भी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे बीज वैक्स, रॉयल जेली, प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग। इन सभी प्रोडक्ट की मांग देश विदेश में काफी ज्यादा है और ये सभी प्रोडक्ट बाजार में महंगे दाम पर बिकते हैं, जिससे आप कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभ की बात करें तो मधुमक्खी पालन व्यवसाय कम समय में अधिक लाभ देता है। एक व्यक्ति अकेले शुरू कर सकता है मधुमक्खी पालन। बाजार में शहद और मोम की मांग काफी अधिक है। शहद के अलावा मोम, रॉयल जेली, पराग, मौनी आदि मिलता है। मधुमक्खी पालन कम उपज वाले खेतों में भी किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन से होता है 2 गुना मुनाफा। मधुमक्खी पालन से पर्यावरण पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव। सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने में है अहम भूमिका। मधुमक्खी पालन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों के साथ साथ बेरोजगार लोगों को मधुमक्खी पालन की तरफ प्रोत्साहित करना है। सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन व्यवसाय करने वाले लोगों को इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता लोन के रूप में प्रदान की जाती है। इसके साथ ही लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। दरअसल भारत की जलवायु मधुमक्खी पालन के अनुकूल है, जिसके चलते सरकार मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास नाम से एक केंद्रीय योजना शुरू की है। इस योजना में मधुमक्खी पालन को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना शामिल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने नाबार्ड के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए फाइनेंसिंग स्कीम भी शुरू की है। रोजगार के लिए आप राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कार्यालय से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से मधुमक्खी पालन के लिए 80-85% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो पशुपालन से संबंधित कौन कौन से कार्य आप अभी कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें पशुपालक कैलेंडर पर। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बात हो गर्मी से राहत या करनी हो फसल की बुआई, सभी को रहता है इंतजार कि कैसे बरसेगा मॉनसून इस बार। क्या अच्छी पैदावार की सौगात देगी मॉनसून की बरसात? देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श मॉनसून और खेती 18 जून शनिवार रात 10 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार अब जोर दे रही है कि हमारे किसान जैविक खेती को अपनाएं और हमारे किसान भी पीछे नहीं है, अपना रुझान बढ़ा रहे हैं जैविक खेती की ओर, इसे अपना कर इसे अपने लिए फायदेमंद भी बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया है आज के हमारे कामयाब किसान ने, जिनका नाम है राम नारायण नायक। जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, अच्छी सफलता भी हासिल की है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं इनसे। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के रहने वाले राम नारायण जी, जिनके पिता थे तो एक किसान, लेकिन पढ़ाई लिखाई का महत्व बखूबी जानते थे, इसलिए बेटे को खेती बाड़ी के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दिलाई और पढ़ा लिखा कर एक टीचर बनाया। पढ़ाई पूरी होने पर राम नारायण अपने ही जिले में अध्यापक की नौकरी करने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने खेतों में काम करना नहीं छोड़ा और पिता के सिखाए हुए हर एक नुस्खे को धीरे धीरे सीखते चले गए। छोटा था तो हमारा भी खेती बाड़ी करने के लिए बहुत शौक था, तो इसलिए हमारे पिता के साथ हम जाके खेती बाड़ी में जाते थे। जब हम बड़ा हो गया, हमारे पिता नहीं पढ़ा, तो हम 20-21 साल अब जब हो गया तो हम खेती बाड़ी में हमका खूब नीट खुद संभाला। तो उस टाइम मेरे पिता जो काम चाषी किया था, उस टाइम वो सार उर खुद नहीं था, वो सब खेती में वो डालते थे गोबर खाद। उस टाइम वो गाड़ी बहुत था तो गोबर खाद बहुत मिला था, उस टाइम पकता था, तो उनको पिता को हमको वो सार फार का कोई पता है उसको नहीं था। जब हमारा टाइम आया तो ऑर्गेनाइज जो हो गया, तो मिट्टी में हम भी फूल डोज दे के हम खेती करते थे। राम नारायण अक्सर अपने आसपास के किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हुए देखा करते थे। उन्होंने देखा कि जैविक खेती को छोड़कर किसान केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अच्छी पैदावार तो मिलती थी, लेकिन अनाज फल सब्जियों की गुणवत्ता कम होने लगी। रासायनिक खेती से हवा और पानी दूषित होता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके धरती के ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। इतना ही नहीं, रासायनिक खेती से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। केमिकल रहित फसलों से उपजे अनाज, फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी भयावह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं रासायनिक खाद का खेतों में इस्तेमाल करने से किसानों को भी कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। रासायनिक खाद के उपयोग से खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ने के साथ अब जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मिट्टी पर तो पड़ रहा है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी में इन पोषक तत्वों की लगातार कमी से फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रही है। राम नारायण हमेशा से अपने आसपास के खेतों में इस्तेमाल हो रहे रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने के बारे में सोचा करते थे। वो गोबर खाद में खेती करते थे तो उस टाइम कोई नुकसान नहीं था। जब मेरा पीयर में वो जो ग्रोमो डीएपी कुड़कुड़े 13 और पोटास वो सब हम डाले, तो वो डालने से उसमें कीड़ा बहुत हो गया। जो उपज होता था वो 20 हो जाता, तो हमको 20 भी खाना पड़ता था। वो जो चावल निकलता था उसमें 20 भी हमको खाना पड़ता था। इसलिए तेरे हम सोचा क्या करेंगे, इतना खर्चा भी होता है और हम जो कितना खर्चा करते हैं उतना आधा भी नहीं होता है। खाली हमको खाने के लिए खाली हम वो चावल एक मोटा मिलता है, वो बिक्री करने का फायदा कुछ नहीं, तो हम सोचा क्या करें। राम नारायण ने रासायनिक खाद को खेतों से हटाने के लिए जैविक खाद बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने खेतों में पहली बार रासायनिक खाद के बदले खुद की बनाई जैविक खाद का छिड़काव किया, लेकिन कई बार उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे जैविक खाद का छिड़काव किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, जिससे फसलों की गुणवत्ता बनी रहे और उपज भी बेहतर हो। हालांकि कई विफल प्रयासों के बाद राम नारायण को सफलता हासिल हुई। उन्होंने उत्तम जैविक खाद बनाई और उसका छिड़काव खेतों में किया, जिसकी वजह से उन्हें जिले के किसान अपने नायक के रूप में देखते हैं। हमारा 12 एकड़ खेती में हम जैविक खाद और जैविक दवाई डालते हैं, तो हमको बहुत फायदा है। क्यों फायदा है कि हमारा जमीन का उर्वर बढ़ जाता है और वो जमीन में जो उर्मी है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने से
माटी को और ऊपर बढ़ा देता है। जैविक दवाई जो है उसको हम हानिकारक बोलते हैं, उसको इस्तेमाल करने में चाषी को बहुत फायदा है, क्योंकि उसका दवाई का सब चीज़ बाड़ी बगीचा में मिलता है। अपना गाय का दूध और गाय का परिसरा गोबर वो मिलता है, वो बिना पैसा में, तो उसका फायदा है, खर्चा कम, खर्चा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा फायदा है जो इस्तेमाल करते हैं खेती में, तो कोई चिड़िया उड़िया पशु पक्षी कुछ को भी नुकसान नहीं होता है। हम केमिकल बिल्कुल नहीं डालते हैं, बिल्कुल खर्चा हमारा नहीं है, हम खाली यही हमारा जैविक खाद और जैविक मेडिसिन डालते हैं। तो इसलिए हम किसान भाई को बोलेंगे कि वो हमारा जैविक खाद और जैविक दवाई डालो, जैसे कि आपका जमीन का उर्वर बढ़ जाएगा। किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बेहतर दाम पर बेच सकता है, साथ ही अपनी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकता है। किसानों को जैविक खाद बनाने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। जैविक खाद से उगाई गई फसलें बाजार में अच्छे दाम पर बिकती है। धीरे धीरे लोगों का रुझान ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की ओर बढ़ता जा रहा है। किसान अच्छी आय और फसल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।